Assalamualaikum everyone, welcome khush aamadeed jiyanu and pakhair wagle to all my very beautiful listeners out there who are listening me. This is me, myself and I, Qurrat-Ul-Ain, Abbasi, once again aap log ki khidmat mein hazir, janab present boss. So, how are you doing, my beautiful listeners? Kaise hain aap tamam log? Kya ho raha hai? I hope you guys are doing great. Bilkul, meri tarah, muskuraye, khush rahein, aur khushiyan baante. Yehi to zindagi hai. Waise bhi itni mukhtasar si zindagi hai, to hum logon ko udaas nahi hona hai, tension nahi leni hai, aur stress to bilkul nahi lena hai. कोई बात नहीं, अगर फिर भी किसी को थोड़ा सा भी स्ट्रेस है तो हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी ऐसी हल्की फुल्की गपशप करते हैं जिससे आप लोगों का स्ट्रेस थोड़ा साइड पे हो जाता है. और अगर हम मुकम्मल तौर पर उसे ख़त्म नहीं कर सकते हैं, वैसे तो स्ट्रेस वैसे भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, उसे जस्ट हम थोड़ा सा मैनेज करते हैं. तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर हम यहाँ पर आ गए हैं, तो हम आप लोगों का स्ट्रेस थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे और आप लोगों को थोड़ा अच्छा बेटर फील कराएंगे. तो लिसनर्स, आज के शो में क्या होने वाला है? आज के शो में होने वाली हैं बहुत सारी बातें. हमेशा की तरह मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के बजाय हमारे मुल्क में क्या हो रहा है, कोविड का क्या सीन है, थर्ड वेव जो कि कह रहे हैं बहुत ख़तरनाक है. आप लोगों को क्या लगता है कि ये ख़तरनाक है या जस्ट ऐवी हवा में लोग बातें कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग इसको बहुत ज़्यादा सीरियसली नहीं ले रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि लोग तो इसी तरह बातें करते हैं, नंबर्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं और वगैरह वगैरह वगैरह. लेकिन मेरे प्यारे 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 क्यूट से लिसनर्स, आप सब लोग जो मुझे सुन रहे हो, आप लोगों ने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है. ये आप लोग हर जगह सुन रहे होंगे लेकिन मेरा भी फ़र्ज है, बीइंग अ ह्यूमन बीइंग और बीइंग आप लोगों की बहुत, मैं क्या ख्याल जो करती हूँ, मैं नहीं चाहती कि आप में से कोई बीमार हो और आपकी वजह से कोई और बीमार ना हो. सकता है लिसनर्स कि आपकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी बिल्डअप हुई भी हो और आपके ऊपर ये वायरस इफ़ेक्ट ना करता हो, लेकिन अगर वो वायरस आपके बजाय आपके किसी और ऐसे करीबी और प्यारे को इफ़ेक्ट कर दे जिसका इम्यूनिटी सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, तो फिर क्या हो सकता है? मैं ये सोचना भी नहीं चाहती कि इसके बाद क्या हो सकता है. तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने अपने हाथ धोने अच्छे से एटलीस्ट 20 सेकेंड्स तक, ठीक है, किसी अच्छे एंटीबैक्टीरियल सोप से. उसके अलावा मास्क आपने वेयर करना है, बाहर जाने से गुरेज करना है, इज्तनाब करना है एज मच एज़ यू कैन. फिर भी अगर जाना बहुत ज़रूरी हो और तो आप जाइए, लेकिन तमाम तर प्रिकॉशंस के साथ. और हमेशा मैं कहती हूँ प्रिकॉशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, तो सारे प्रिकॉशनरी मेजर्स आप लोगों ने लेने हैं. प्रिकॉशन इज़ ऑलवेज बेटर देन क्योर. तो आपको इलाज की तरफ जाना ही ना पड़े इसलिए आपको प्रिकॉशंस करनी चाहिए. और इसके अलावा आज के शो में हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि जो बैंड्स हैं पाकिस्तान में, बहुत सारे बैंड्स हैं, उनमें से एक बैंड के साथ क्या हुआ, क्या होने वाला है, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं वो बताइएगा. ड्रामास कौन से टीआरपी में कहाँ कहाँ स्टैंड कर रहे हैं वो हम बात करने वाले हैं. उसके अलावा अलफ शफक के बारे में, उनकी बुक्स के बारे में और किस तरह उनकी बुक को बीबीसी ने किया है शामिल द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स में. 100 बुक्स में से एक बुक उनकी भी है, जो कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है. मेरे ख्याल से किसी भी ऑथर के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है कि उसकी बुक को इतना बड़ा जो है एजाज दिया जाए. तो ये सब बातें करेंगे हम अपने आने वाले छोटे छोटे से चंक्स में. दिस इज़ मी कुर्रत-उल-ऐन अब्बासी, आप सुन रहे हैं मुझे और आप कुछ भी कहना चाहते हैं तो कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया को बता दो, सब कह दो, तुम ही तो हो. ऑलराइट, तो नीचे जाइए, आपके पास कमेंट बॉक्स में लिखने का ऑप्शन मौजूद है, वहाँ जाके टाइप कीजिए जो आप कहना चाहते हैं और सेंड कर दीजिए और हम लोग उसे पढ़ेंगे और आपको बिल्कुल जवाब भी देंगे. तो मैं आप लोगों को बताने वाली थी बैंड्स के मुतालिक. पाकिस्तान में बहुत सारे बैंड्स तारीख में ऐसे बैंड्स जिन्होंने बहुत खूबसूरत से हमें गाने दिए और बहुत मज़े मज़ेदार किस्म की चीज़ें उन्होंने हमें दी सिंगिंग के हवाले से, जिनमें हम बात करें यहाँ पर किसकी बात. सबसे पहले मैं स्टार्ट लेती हूँ जुनून की. जुनून बैंड से आप सब हम वाकिफ़ हैं. उसके अलावा वाइटल साइंस की बात की जाए, जुनेद जमशेद हमें वहाँ से मिले, अली अजमत हमें जुनून से मिले. जल बैंड की बात की जाए तो फरहान सईद बट और उसके साथ साथ आतिफ असलम, ये दो लोग हमें वहाँ से मिले. उसके अलावा हम बात करते हैं कॉल बैंड की, जुल्फी और जुनेद उसमें शामिल थे. इसके अलावा बात करते हैं ईपी बैंड की, जिसमें अहमद भट्ट और फवाद खान मौजूद थे जो अब एक्टर हैं. तो अब इतने सारे बैंड्स का नाम बताने का क्या मकसद था? तो मकसद ये था, ये सारे बैंड्स टूट फूट का शिकार हुए और कहीं जैसे असेंबलियाँ तहलील हो जाती है ना, उस तरह से सारे बैंड्स जो है हवा में कहीं तहलील हो गए, कहाँ चले गए कोई अता पता नहीं है.
لیکن بینڈ سے الگ ہونے کے بعد کچھ خاص کارکردگی ان کی نہیں نظر آئی, جیسے کہ علی عظمت نام بے شک بڑا ہے لیکن اس کے بعد کچھ خاص ان کے ریکارڈ پہ نہیں ہے ایسی چیز جس کو ہم مطلب کنسیڈر کریں جو ہم جنون میں دیکھا کرتے تھے. اسی طرح وائٹل سائنس خیر الگ ہو گیا لیٹ, جنید جمشید کے سانگز آسم سانگز, ان کے بارے میں بالکل یہ کوئی کمنٹ نہیں کروں گی, لیکن بہت خوبصورت وائٹل سائنس کا دور. وہ اکیلے بھی انہوں نے بہت کچھ سولو کیے اور اس کے بعد پھر انہوں نے اپنی زندگی میں کچھ چیزیں سوئچ کی اور جو کی وہ کمال کی. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کال کی. کال بینڈ کے جنید جو ہیں اس وقت ایکٹنگ میں چلے گئے, ایکٹنگ میں بہت نام کما رہے ہیں, سنگنگ میں وہ اتنا نام نہیں کما سکے. زلفی جو ہیں, زلفی اس وقت ویسے بھی خبروں میں ان ہو گئے تھے جب انہوں نے نصیبوں کو لیا تھا گروو والے گانے میں, پی ایس ایل سکس کا گانا جس کو انہوں نے کمپوز کیا تھا. تو زلفی کو سب نے بہت زیادہ مطلب کہتے ہیں نا آڑے ہاتھوں لیا زلفی کو کہ اے تو نے کیا کیا بھائی, لیکن خیر اتنا برا بھی نہیں تھا. بس کہتے ہیں نا ہم لوگ نظر مطلب کون سا چشمہ ہوتا ہے وہ اپنی مرضی کا کچھ چشمہ ایک آنکھوں پہ لگایا ہوتا ہے ہم نے, اب اس چشمے میں نا ہماری مرضی کے علاوہ اگر کچھ آتا ہے نا کچھ ہم ویژولائز کرتے ہیں تو وہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا ہے. تو لوگوں کے ساتھ بھی وہی کچھ سین تھا کہ انہیں ہم نے ایک خاص کیٹیگری میں رکھا ہوا تھا اور اس کے علاوہ شاید ہم انہیں دیکھنا ہی نہیں چاہتے, جبکہ میرے خیال سے ایک سنگر جو ہوتا ہے اس کے ٹیلنٹ کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی, وہ کہیں پر بھی فٹ ہو سکتا ہے جیسا کہ انہوں نے کیا. اچھا اس کے بعد اگر ہم بات کرتے ہیں ای پی کی, ای پی بینڈ آیا ٹوٹ گیا کہاں گیا کچھ اتنا پتہ نہیں. احمد بٹ ابھی بھی سنگنگ کرتے ہیں, سنگنگ کے نام پہ کچھ تھوڑا بہت مذاق ہی کرتے ہیں وہ, لیکن خیر لوگوں نے سنتے ہیں. جوانی پھر نہیں آنی میں کچھ کامیڈی ایکٹنگ سے وہ کافی اوپر آ گئے تھے. اس کے علاوہ اس میں انہوں نے ریپ بھی کیا تھا تلے والی جوتی جو انہوں نے عارف لوہار کے ساتھ کیا تھا, وہ گانا کافی اچھا ہے, کوائٹ انٹرسٹنگ. کبھی ٹائم ملے تو ضرور سنیے گا, یہاں میں نہیں سنا سکتی ہوں, آپ کو پتہ ہے نا پالیسیز کی کہانی ہوتی ہے. تو فواد ایکٹنگ میں چھا گئے بھائی, ہم سفر سے جو کیا انہوں نے کامیابی کا ایک سفر اسٹارٹ کیا اور وہ کہاں چلے گئے, وہ انڈیا تک چلے گئے اور وہاں پر انہوں نے خوبصورت میں کام کیا جس میں سونم کپور کے مد مقابل تھے, ڈیبیو کیا اور انہیں اس کے بعد انہیں اتنے 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 اوارڈز ملے کہ سوچے آپ کی جناب. اور وہاں پہ جو ان کا ایک اسٹائل تھا, جو ان کی داڑھی اور جو شیو بیئرڈ وہ اسٹائل رکھتے تھے, جو ایک ان کی پرسنالٹی میں گریس تھا, وہ میں بتا نہیں سکتی کہ وہاں کتنے لوگوں نے فالو کرتے ہیں. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کسی پاکستانی بندے کے لیے اور ہمارے لیے کہ ہمارے کسی ایکٹر کو وہ لوگ جا کے کاپی کر رہے ہیں کہ وہ کیسی ڈریسنگ کرتا ہے, کس طرح وہ اٹھتا بیٹھتا ہے. تو آئی ایم ویری ہیپی, آئی ریئلی پراؤڈ آف ہیم. سیکنڈ فواد خان کے بارے میں ایک اور بات کہ وہ ڈائبیٹک پیشنٹ ہونے کے باوجود ہی سو ایکٹیو, ڈائبٹیز سے لڑ رہے ہیں. اور یہ بھی ایک اچھی بات ہے, دیکھیں ایکسرسائز کر کے اور اپنا خیال رکھ کے آپ پھر بہت زیادہ فٹ رہ سکتے ہیں, یہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ڈائبٹیز اتنی بھی مشکل چیز نہیں ہے جس سے لڑا نہ جا سکے, ٹھیک ہے, بس آپ کی ول پاور ہونی چاہیے. تو ان کے پاس ول پاور تھی, انہوں نے ان کو استعمال کیا. پھر آتے ہیں ہم واپس سے, میں بات کیا کرنا چاہ رہی تھی, سوری میں جذباتی ہو جاتی ہوں. فواد خان میرے بہت 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 فیوریٹ ہیں, آئی ہوپ آپ لوگ کو بھی پسند ہوں گے. تو بات ہو رہی تھی یہاں پر کون سے بینڈ کی, جی جناب اسٹرنگس کی ہم بات کر رہے تھے. جی جناب اسٹرنگس کے تار 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 ہو گئے ہیں, جی جناب اسٹرنگس ٹوٹ چکا ہے اور وہ بھی تحلیل ہو گیا ہے باقی تمام بینڈز کی طرح. کہاں چلا گیا ہے, ان کے تمام سوشل میڈیا ہینڈلز پر انہوں نے اناؤنسمنٹ کر دی ہے کہ 25th of April 2021 کو آفیشلی طور پہ جو اسٹرنگز ہے وہ ختم ہو جائے گا. اس کے بعد اسٹرنگز کے دونوں جو ممبرز ہیں یعنی کہ بلال مقصود جو کہ انور مقصود صاحب کے صاحبزادے ہیں, اور دوسرے فیصل کباڈیا جو کہ لیٹ لطیف کباڈیا جو ہیں ان کے صاحبزادے ہیں, ان دونوں کا 33 years کا یہ سفر جو ہے بہت کامیابی سے رہا. انہوں نے ہمیں بہت بہت اوسم گانے دیے, چاہے وہ دور ہو, چاہے وہ دھانی ہو, چاہے وہ اے او اے او اے او آ, انہوں نے انٹرنیشنلی اس گانے نے ان کو کافی پذیرائی دی تھی اور انہیں لوگ آل اوور دا ورلڈ جاننے لگے تھے, اینتھم گانا جو بھی تھا. اس کے بعد سے فائنلی یہ لوگ پچھڑ رہے ہیں, مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے کہ یار فائنلی یہ بھی گئے. لوگ ان کی مثالیں دیا کرتے تھے کہ یار ان لوگوں کا بینڈ کتنا اوسم قسم کا بینڈ ہے. تو ہو سکتا ہے ان لوگ کی کوئی پرسنل ریزن ہو, لیکن فائنلی وہ لوگ الگ ہو گئے ہیں. تو یہ بات ایک نیوز تھی جو کہ میڈیا میں گردش کر رہی ہے. تو میرے پیارے لسنرز کیسے اس سے بے خبر رہ سکتے ہیں, تو میں نے کہا آپ لوگوں کو بھی بالکل بتانا چاہیے کہ یہ ہو گیا ہے. تو آپ لوگ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں, یہ جو بینڈز کا ٹوٹنا جڑنا اور جڑنے کے بعد پھر ٹوٹنا یہ سب کیا ہوتا ہے, مطلب آپ لوگ کی رائے مجھے بالکل اس کا میں بے صبری سے انتظار کر رہی ہوں. نیچے کامنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں. www.youtube.com/naisubah از دا ایڈریس, سارے یو آر ایل تو میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے جس سے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں. جہاں آپ کو ایزی لگے, جہاں آسانی لگے وہاں پر آپ جائیے اور کہہ ڈالیے جو آپ کہنا چاہتے ہیں.
हाँ जी लिसनर्स, तो बात हो रही थी यहाँ पर एलिफ शफक की, बात हो रही थी एलिफ शफक का एक नॉवल मैं पढ़ रही हूँ इन दिनों जिसका नाम है द 40 रूल्स ऑफ लव। ये नॉवल उनका बहुत ही ऑसम किस्म का एक नॉवल है और ये नॉवल जो है पब्लिश हुआ था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन 2009 में ये शाया हुआ और 2019 के अंदर BBC ने इसे 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स के अंदर शामिल कर लिया। अब उनकी ये किताब उन किताबों में से एक है जो लोगों के ऊपर अपना इम्पैक्ट छोड़ चुकी हैं। उसके अलावा इन्होंने टोटल अब तक लिखी हैं 16 किताबें जिनमें से 10 नॉवेल्स हैं, जिनमें से कुछ फेमस के नाम मैं आपको बता रही हूँ। इवन दो तो सभी इनके बेस्ट सेलर हैं, ये एक अलग से एजाज़ इनके पास मौजूद है, जिनमें एक बास्केट ऑफ इस्तांबुल, इसके अलावा आपके पास 10 मिनट्स 38 सेकंड्स, इसके अलावा द 40 रूल्स ऑफ लव, द 40 रूल्स ऑफ लव के अलावा 3 डॉटर्स ऑफ ईव्स, ये इनके नॉवेल्स हैं जो ऑसम है, जो आपको पढ़ने चाहिए। PDF फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे एज वेल एज आपको ऑडियो में भी मिल जाएंगे। आप जहाँ पर ईजी फील करें आप इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और 40 रूल्स ऑफ लव के बारे में 40 से ज़्यादा ज़बानों में इसकी अशात हो चुकी है, अभी भी मुख्तलिफ ज़बानों में इसके जो ट्रांसलेशन का जो मरहला है वो चल रहा है। ये स्पिरिचुअल एक स्टोरी है और 1245 और 2009 यानी ये वाली सेंचुरी जो हमारी है 2000 के बाद वाली, इन दोनों को कनेक्ट किया गया है और एट द एंड वो साबित किया गया है कि अभी भी कुछ ख़ास नहीं बदला। एहसास और फीलिंग्स वही होते हैं, बस समझने वाले पर डिपेंड करता है। तो एलिफ के बारे में एक और ख़ास बात कि ये फ़्रांस में पैदा हुई, फ़्रांस के बाद ये वापस टर्की आई, टर्की से इन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की और उसके बाद फिर ये चली गई कहाँ, लंदन। लंदन में इन्होंने अपनी जो बाकी की आला तालीम थी कम्प्लीट की, तो इस तरह इनकी एक्सपर्टीज़ में टर्किश और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज हैं, दोनों में लिखती हैं। और ये नॉवल भी इन्होंने टर्किश में लिखा था, देन फिर वो इंग्लिश में चला गया और इंग्लिश के बाद फिर वो 40 से ज़्यादा ज़बानों में इस वक्त तक तर्जुमा हो चुका है। तो एलिफ अमेजिंग है, फेमिनिस्ट हैं और पूरी दुनिया में लोग उनको बहुत बहुत ज़्यादा पजीराई दे रहे हैं। मैंने ख़ुद उनकी डिफरेंट इंटरव्यू सुने हैं और बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ और हम्बल किस्म की लेडी हैं और उन्होंने एक और बात साबित कर दी कि कलम में बहुत ताकत है, कलम से आप कुछ भी कर सकते हैं, आप दुनिया को ज़ेर कर सकते हैं, तो इसीलिए अच्छा लिखना चाहिए। तो आप में से भी अगर किसी के पास ये टैलेंट है तो ज़रूर लिखिए और दुनिया को बता दें कि आप क्या सोचते हैं और आप किस नज़रिए से दुनिया को देखते हैं, और अगर वो नज़रिया ठीक हुआ तो लोग उसे ज़रूर एक्सेप्ट करेंगे। तो अगर आपने ये किताब अभी तक नहीं पढ़ी है लिसनर्स, तो मैं आप लोगों को रेकमेंड करूँगी कि ये किताब आप लोगों के लिए है, इसे आपको पढ़ना चाहिए। अभी मेरी किताब भी आधी हुई है, कंप्लीट हो जाएगी तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी कि इसमें क्या है, कैसा है, इसका एंड क्या है, क्योंकि एंड के बगैर मज़ा नहीं आता। तो आप लोगों ने एलिफ शफक को पढ़ना है। इसके अलावा ड्रामास की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ड्रामास में बहुत सारे ड्रामास लोग देख रहे हैं, मैं भी बहुत सारे ड्रामास देख रही हूँ। उनमें से एक ड्रामा जो रक्स बिस्मिल है, लास्ट टाइम वो ट्रेंडिंग पे था, कहाँ पर बताएं, ना फर्स्ट सेकंड थर्ड पे नहीं गया, वो ट्रेंड कर रहा था 8 नंबर पे, रक्स बिस्मिल 8 नंबर पे ट्रेंड कर रहा था। ओ भाई, मतलब इतना हाई फाई बंदा और भाई क्या हरकतें कर रहा है, सीरियसली ऐसे भी होता है। तो अगर आप लोग ये ड्रामा नहीं देख रहे हैं तो देखें, हर जुम्मे को आता है ये ड्रामा, आप देखें बताएं कैसा लग रहा है आपको, और इमरान अशरफ की एक्टिंग आपको कैसी लग रही है। मतलब ठीक है यार, मतलब बस सही है, इतना भी कुछ ख़ास नहीं है जितना लोगों ने उसको हवा बना दिया है। उसके अलावा नन की बात की जाए तो नन भाई 150 एपिसोड पूरा कर चुका है और च्युइंगम की तरह खिंचता चला जा रहा है, लोग तंग आ गए हैं लेकिन डायरेक्टर बिल्कुल तंग नहीं आ रहा, वो कह रहा है मैंने यही करना है। पहले उसमें जो नन बनी हुई थी वो फायज़ा हसन जो थी उसके अंदर मौजूद थी और अब वो जो है उन्होंने रिप्लेस कर लिया है, किसने, जवेरिया सऊद ने। जी जनाब, जो जवेरिया वही हैं जो पहले जवेरिया जलील हुआ करती थी, जब तक उन्होंने सऊद से शादी नहीं की थी, फिर उन्होंने शादी कर ली और वो जवेरिया जलील हो गई। अब उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस है जिसे अल जन्नत प्रोडक्शन हाउस के नाम से, जन्नत प्रोडक्शन हाउस के नाम से उनका एक प्रोडक्शन है जो उनकी बेटी के नाम पर है और वहाँ पर वो डिफरेंट अच्छे अच्छे ड्रामास बना रहे होते हैं। और जन्नत नाम से ही उन्होंने एक ड्रामा भी बनाया था जो कि बहुत ज़्यादा सुपर डुपर टाइप का हिट हुआ था, तो वो मौजूद है इस वक्त नन के कैरेक्टर में और बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है, मुझे उनकी एक्टिंग पर्सनली पसंद है। पर ड्रामा ज़रूरत से ज़्यादा तवील हो गया और वो अब अपना जो चार्म है, वो मज़ा जो है ना, वो खो चुका है मेरे हिसाब से, वो खो चुका है, इसे बंद हो जाना चाहिए। डायरेक्टर खुदा के लिए अगर आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो तो आप प्लीज़ इसे बस कर दो, ख़त्म कर दो, हद हो गई। इसके अलावा एक ड्रामा और कयामत बहुत मज़े का चल रहा है, उसमें नीलम मुनीर की एक्टिंग बहुत ऑसम है, कमाल है। तो कयामत अगर आपने नहीं देखा तो कयामत देखना है, कयामत ट्रेंड कर रहा है 3rd पे। इसके अलावा रकीब से ड्रामा है वो बहुत अच्छा चल रहा है,
उसके अलावा मुझे भी खुदा पे यकीन है, 2 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। ये वाहिद ड्रामा जो डेली आता है और हफ्ते वाले दिन इसकी 2 मेगा एपिसोड्स आती हैं, तो अगर आप लोग नहीं देख रहे तो देखें, और इसमें कोई ब्रेक नहीं आता और बहुत मज़े का चल रहा है इसमें इस वक्त ना, बहुत 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 मज़ा आ रहा है, मुझे तो बहुत पर्सनली मज़ा आ रहा है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाइए देखिए और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मुझे भी खुदा पे यकीन आपको पसंद है या नहीं है। और आप लोगों के साथ हमेशा की तरह, मुझे नहीं पता चला वक्त कैसे गुजर गया, वक्त तो गुजर गया, वक्त का काम है, इट फ्लाइज। मैं हमेशा जब पढ़ती थी ना कि टाइम फ्लाइज, तो मैं हंसती थी ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन सीरियसली अब मुझे लगता है कि टाइम एक्चुअल में फ्लाई करता है। तो अब हुआ जाता है जाने का टाइम, मुझे लेना है आप लोगों से क्या कहते हैं, इजाज़त लेनी है मुझे आप लोगों से। आपने रखना है अपना बहुत सारा ख्याल, और इसके अलावा जो है अगर कोई नाराज़ है तो मना लो यार, उससे ज़िंदगी बहुत छोटी है, क्या पता कल हो ना हो, ठीक है ना, क्या पता कल टाइम बचे या ना बचे और फिर आप हाथ मिलते रह जाओ कि काश मैं उसे रोक लेता, काश मैं उसे रोक लेती, काश मैं उसे ना जाने देता, काश मैं उसे ना जाने देती। ऑलराइट, हो जाता है कभी कभी, इस तरह की चीज़ें भी हो जाती हैं ज़िंदगी में, तो आप लोगों ने नहीं करना ऐसा कुछ कि जिसका रहे आपको बाद में मलाल, ठीक है। तो कराची, लाहौर, मुल्तान, मेरी जान, पाकिस्तान, जहाँ जहाँ तक सुनी जा रही है मेरी आवाज़, दिस इज़ मी कुर्रत-उल-ऐन अब्बासी सेइंग साइनिंग आउट फ्रॉम दिस चैनल, ठीक है। तो आप लोगों ने अपना रखना है बहुत सारा ख्याल, टाटा बाय बाय, हास्ता ला विस्ता।